हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने मल्टीपल एंड पार्शियल रिग्रेशन के फॉर्मूले फॉर्मुलेट करना एज वेल एज लीस्ट स्क्वायर मेथड का एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व किया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग अदर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल एंड पार्शियल रिग्रेशन। दिस इज अवर क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ। आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है? एक्स वन ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री एंड एक्स टू ऑन एक्स वन एंड एक्स थ्री। आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, डैट इज आर वन टू इक्वल्स टू 0.8, आर वन थ्री इक्वल्स टू 0.6, आर टू थ्री इक्वल्स टू 0.5, स्टैंडर्ड डिविशन 1 इज 10, स्टैंडर्ड डिविशन 2 इज 8, स्टैंडर्ड डिविशन 3 इज 5। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एक्स वन ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री। तो क्या है एक्स वन ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एक्स वन इक्वल्स टू बी वन 2.3 एक्स टू प्लस बी वन 3.2 एक्स थ्री। प्रीवियस वीडियो में हमने इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना बहुत इजी पैटर्न से सीखा है। You can watch that video to learn the formulation of this formula. B12.3 equals to इसका क्या है? Standard deviation 1, standard deviation 2 multiply by R12 minus R13 R23 का square। ये फॉर्मूला है इसका x1 ऑन x2 एंड x3 का। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए, ये है हमारा फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसमें हमने सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। स्टैंडर्ड डिविशन 1 इक्वल्स टू 10, स्टैंडर्ड डिविशन 2 इक्वल्स टू 8, R12 इक्वल्स टू 0.8 माइनस R13 इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर, डैट इज 0.5 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देयर आफ्टर इसमें से हम माइनस कर देंगे। वैल्यू आ गई हमारी 0.5। इधर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई हमारी 1.25। देयर आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे और फिर 1 माइनस जो इसका स्क्वायर आ रहा है डैट इज 0.25, इसको माइनस किया तो वैल्यू आ गई हमारी 0.75। तो ये है आपकी वैल्यू ऑफ B12.3। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग B13.2, डैट इज स्टैंडर्ड डिविशन 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविशन 3 मल्टीप्लाई बाय R13 माइनस R23 मल्टीप्लाई बाय R12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर दिया है। डैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस 0.8 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 2। इसको सॉल्व करने के बाद 0.20 और इसको सॉल्व किया तो 0.75। इसको डिवाइड करने के बाद में मल्टीप्लाई किया है, वैल्यू आ गई 0.533। तो हमारी फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी? x1 इक्वल्स टू B12.3 की वैल्यू है हमारी 0.833, x2 प्लस B13.2 की वैल्यू है हमारी 0.533 x3। ये है हमारा x1 ऑन x2 एंड x3। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? x2 ऑन x1 एंड x3। नाउ अब हमें सेकंड क्या पूछा गया है? x2 ऑन x1 एंड x3। x2 इक्वल्स टू B21.3 x1 प्लस B23.1 x3। ये है हमारा इसका फॉर्मूला और ऐसे ही हम इसके पार्शियल रिग्रेशन कोऑफिशिएंट के फॉर्मूले भी फॉर्मुलेट कर लेंगे। इसका मैं अगेन आपको यही बता रही हूँ, इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने बहुत इजी पैटर्न से इसको समझाया है। यू कैन वॉच डैट वीडियो। 8 डिवाइडेड बाय 10
स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है हमारा 8, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है 10. R12 इक्वल्स टू 0.8 माइनस R13 इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, दैट इज R13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.50 डिवाइडेड बाय 0.64 इक्वल्स टू 0.625, दैट इज अ B21.3. देयर आफ्टर वी विल फाइंड आउट B23.1. ये इसका फॉर्मूला है, 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.5 माइनस 0.6 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर. पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस कर दीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 1.6 और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी वैल्यू क्या रही, 0.64. देयर आफ्टर वी विल गेट 0.05. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, दैट इज x2 इक्वल्स टू 0.625 x1 प्लस 0.05 x3. सेकेंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज R12 इक्वल्स टू 0.28, R23 इक्वल्स टू 0.49, R31 इक्वल्स टू 0.51, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 इज 2.7, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 इज 2.4, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 इज 2.7. फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन x3 ऑन x1 एंड x2. द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x3 ऑन x1 एंड x2 इज x3 equals to B31.2 x1 plus B32.1 x2. These are the partial regression coefficient, that is B31.2 equals to standard deviation 3 divided by standard deviation 1 multiplied by R13 minus R12 multiplied by R23 divided by 1 minus R12 का whole square. इधर हमने values को substitute कर दिया है, that is स्टैंडर्ड डेविएशन 3 वो है हमारा 2.7, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है वो भी हमारा 2.7 है. देयर आफ्टर R13 है हमारा 0.51, R12 दैट इज 0.28, R23 दैट इज 0.49 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.28 का होल स्क्वायर. पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस कर दीजिएगा, तो वैल्यू आ गई आपकी 0.3728 डिवाइडेड बाय, पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, देयर आफ्टर 1 माइनस स्क्वायर होगा तो हो गया वैल्यू 0.9216, 0.4045. अब यहाँ पे हमें निकालना है B32.1, दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन 3 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन 2 इंटू R23 माइनस R12 मल्टीप्लाई बाई R13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R12 का होल स्क्वायर. तो इधर वैल्यूज आ गई आपकी 2.7 एंड 2.4 मल्टीप्लाई बाय R23 की वैल्यू है 4.9, R12 की वैल्यू है 0.28, R13 की वैल्यू है 0.51. 1 माइनस R12 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0.28 का होल स्क्वायर. पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर सॉल्व कीजिए और फिर इसको माइनस करेंगे, वैल्यूज आपकी ये आ रही हैं और देयर आफ्टर यू विल गेट 0.4238, जिसको कि आपको ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट करना है. B31.2 की वैल्यू है 0.4045, आगे इधर x1 प्लस B32.1 की वैल्यू है आपकी 0.4238, दैट इज यहाँ पे है, और x2. तो मल्टीपल एंड पार्शियल रिग्रेशन से रिलेटेड 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. दोनों टाइप्स के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मैंने वीडियोस में डिस्क्राइब किए हैं, यू शुड वॉच दैट वीडियो.